नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि श्रीमद् भगवद् गीता के वो 10 अनमोल विचार हैं जो मानव को प्रेरणा देते हैं। वो कौन से विचार हैं? उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। गीता पाठ से भगवान का सानिध्य मिलता है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी व्यक्ति को कर्तव्य पद से विचलित नहीं कर पाती। गीता का अभ्यासी संसार का सच जान लेने के बाद पद भ्रष्ट नहीं होता। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद् गीता के वो अनमोल विचार। उनमें से पहला विचार है, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मैं मतलब कि भगवान विष्णु जो सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। दूसरा विचार है कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तीसरी बात है, जन्म लेने वाले को मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। चौथी बात है, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हमेशा ज्ञान देता हूँ। पांचवी बात है, नरक के 3 द्वार है, क्रोध, वासना और लालच। ये 3 बातें कभी भी ना करें। अगली बात है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। किसी भी काम को नहीं करने से अच्छा है कि कोई काम कर ही लिया जाए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता 3 लोक में कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता वो शत्रु के समान कार्य करता है। और आखिरी बात है, तुम मुझ में समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 अनमोल बातें जो हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। अगर आपको भी ये विचार पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।